तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम समझेंगे इंप्लाइड एजेंसी क्या होती है एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि इसके अंदर जितनी भी वेरियस टाइप्स हैं उनमें से द वेरी फर्स्ट एजेंसी बाय स्टॉपल क्या होती है राइट स्टूडेंट्स सो डोंट गेट कन्फ्यूज फर्स्टली हमारे पास क्या था चार्ट चार्ट को थोड़ा समझिए एजेंसी एजेंसी की आगे फर्दर सब टाइप्स हैं जो कि अराउंड सिक्स टू सेवन टाइप्स हैं जिसमें से हम वेरी फर्स्ट एक्सप्रेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ज्वाइंड इन दिस सेशन तो वो ऑन द टॉप कैन सी द लिंक आप इस वीडियो पे जाइए और इस पूरे सेशन को स्टडी करके आइए एक्सप्रेस एजेंसी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ सेकेंड टाइप एम्प्लाइड और इम्प्लाइड के आगे जो फर्दर सब टाइप्स हैं इनमें द वेरी फर्स्ट इज एजेंसी बाय अस्टॉपल दिस इज द वेरी फर्स्ट ये हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट सब टाइप्स इन नेक्स्ट सेशंस तब हम फिर बैक टू द एजेंसी टाइप्स पर जाएंगे ताकि आपको एक फ्लो चार्ट की तरह सिलेबस कवर होता रहे और आप कन्फ्यूज भी ना हो कि मैम कौन से टाइप की एजेंसी अभी करवा रही हैं तो अभी हमारी स्टार्ट हो रही है काइंड ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी सो स्टूडेंट्स द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि इम्प्लाइड एजेंसी क्या होती है ऑल दो मैंने इसका मीनिंग आपको अर्लियर सेशन में अच्छे से समझाया है इम्प्लाइड एजेंसी एक ऐसी एजेंसी जो कि किसी सिचुएशन की वजह से अराइज़ हुई हो मतलब आपको सरकम या सिचुएशंस देखकर ऐसा लगे कि यस ये एक एजेंसी यहाँ पर हमें बिल्ड होती दिखाई दे रही है या यहाँ पर हमें एजेंसी का रिलेशनशिप दिख रही है दैट इज़ नॉट समथिंग रिटर्न और ओवरल और वर्बली बट इट इज़ कि आप उसको कैसे एनालाइज़ uh, कर रहे हो थ्रू द सिचुएशन सो इंप्लाइड एजेंसी अराइज फ्रॉम दंड आप कैसा दूसरे के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो सिचुएशन कैसी है या फिर आप दोनों पार्टीज के बीच का रिलेशन कैसा है उससे आमतौर पर पता लगाया जा सकता है कि यहाँ यहाँ पर इनके बीच में एजेंसी है सो वेन एवर अ पर्सन जो है प्लेस इज अनदर इन अचुएशन इन विच दैट जो अदर पर्सन है इज अंडर स्टूड टू रिप्रेजेंट या फिर एक्ट फॉर हिम कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें सपोज कीजिए ए पर्सन है और आपको लगे कि ए जो है वो सारे काम बी के लिए कर रहा है ठीक है सारे काम जो बी को करने चाहिए बल्कि वो ए कर रहा है तो आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हो कि ए तो भैया बी का एजेंट है राइट सो नाउ फ्रॉम दिस सिचुएशन इट इंप्लाइज ही बिकम्स एन इंप्लाइड एजेंट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल तो यहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा अ वुमेन अलाउड हर सन टू ड्राइव अ कार फॉर हर कार ओल द वुमेन की थी बट वो हमेशा अपनी कार अपने बेटे को दे देती थी कि जाकर तू मेरी कार चला एंड शी इज़ पेइंग ऑल द एक्सपेंसिस ऑफ मेन्टेनेंस ऑपरेशन जो भी uh, पेट्रोल डीजल का खर्चा होता था या गाड़ी की सर्विस का वट एवर द अदर चार्जेस टैक्स वगैरह जो भी देना होता है वो सब कौन दे रही है वुमेन पे कर रही है सो so, इस सिचुएशन से क्या लग रहा है हेल्थ दैट जो सन है दैट इज़ एन एम्प्लाइड एजेंट ऑफ द मदर वो मदर का एजेंट लग रहा है एंड वेन ही मेड अ कॉलिजन क्या होता है कि एक बार क्या हुआ उसकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है वो किसी की गाड़ी को कोलाइड कर देता है एक्सीडेंट की वजह से दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर सो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो आकर उसकी मदर को भी लाइबल ठहरा सकता है क्योंकि वो ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मदर गाड़ी चला रहा था सो ही अ कोलिजन इंजरिंग हिज वाइफ सो वाइफ यहाँ पर कुछ द मदर फॉर द फॉल्ट ऑफ हर एजेंट जिस एजेंट की वजह से यहाँ पर गलती हुई वो उसके प्रिंसिपल कौन हुई मदर इनडायरेक्टली मदर को स्यू कर सकती है क्योंकि ये सिचुएशन से पता लगाया हर बार वो उनकी गाड़ी चलाता था और वो उसको पे करती थी तो यहाँ पर मदर लाइबल है राइट स्टूडेंट्स देन एज आई सेड कि हम इंप्लाइड एजेंसी को एक बार डिस्कस करने के बाद वी विल डिस्कस इट सब टाइप्स और आज के सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट सब टाइप दिस इज एजेंसी बाय स्टॉप तो एजेंसी बाय स्टॉपल इज द काइंड ऑफ़ इम्प्लाईड एजेंसी और इस्टॉपल क्या होता है एजेंसी कैसे राइज होती है आप इसको समझेंगे कैसे सबसे पहले स्टॉपल का मतलब समझिए इस्टॉपल का मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि आपने आज किसी पर्सन को कुछ बोला है और आपके उस बोली हुई बात की वजह से वो नेक्स्ट पर्सन जो है कुछ एक्शन लेता है आपकी बात पर विश्वास करके कि हाँ नहीं आपने ये बात बोल दी है और आपकी वजह से उस पर्सन ने कुछ ऐसा काम कर दिया कोई ऐसा स्टेप कोई ऐसा एक्ट किया जस्ट आपकी बात पर विश्वास करके तो कल अगर उस पर्सन को कोई लॉस होता है आपकी वजह से यू कैन नॉट से कि मैं तो उस टाइम पर झूठ बोल रहा था या अगर कल कोई भी आपके राइट या लाइबिलिटी अराइज़ होएगी तो आप अपनी बात से मुकरोगे नहीं क्योंकि आपने जो पहले बोला था उसी बात पर विश्वास करके उस पर्सन ने एक्ट किया है नाउ यू आर बींग स्टॉप्ड फ्रॉम अब आपको वही जो पहले वाली बात बोल रखी है उसको प्रूव करना पड़ेगा उसी पर ही डटे रहना चाहे वो गलत थी चाहे वो सही थी अब आप उसी बात पर रहो क्यों झूठ बोला आपने स्टार्टिंग में राइट सो हेयर इट से राइजेज वेन यू आर प्रीक्लूडेड जब आपको किसी चीज़ से रोक दिया जाता है फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग थिंग विच यू हैव रिप्रेजेंटेड जो आपने ऑलरेडी दिखाया है दूसरे पर्सन को या बताया है और आपके दिखाने या बताने की वजह से उस नेक्स्ट पर्सन ने कोई ऐसा स्टेप ले लिया अब आप दोबारा से उस बात से मुड़ नहीं सकते उस बात से मुकर नहीं सकते जो बोल दिया वो बोल दिया ऑल इट इज़ नॉट अ फैक्ट बेशक वो बात झूठ हो बट अब आपको झूठ पर ही डटे रहना है स्टॉपल की डेफिनेशन इफ़ यू ऑल नो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर वन ऑफ द प्ले लिस्ट दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट में अब अगर आप जाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट स्टूडेंट्स यहीं से मुझे याद आया है वी हैव ऑलरेडी कम्पलीटेड दिस एक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने इस पूरे एक्ट को कम्प्लीट किया है सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई हैव इंक्लूडेड एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैव शेयर देर वेरी गुड रिस्पॉन्स विद मी सो इफ यू हैव नॉट

और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है कि स्टॉपल क्या होता है क्या होता है वेन वन पर्सन हैज बाय हिज डेक्लरेशन एक पर्सन ने जब आपने कोई बात ऐसी कही है उस डेक्लरेशन से या आपने किसी एक्ट uh, से या उसने कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी है इंटेंशनली दी है उसने कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन जिसकी वजह से अनदर पर्सन मीन्स दूसरा व्यक्ति जैसे यहाँ पर ये पर्सन था इस पर्सन ने उसकी बात पर विश्वास करके बिलीविंग अ थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ उस बिलीफ पर उसने कुछ एक्ट किया है ठीक है न पहले वाले पर्सन के बताए हुई किसी बात से या किसी एक्ट की वजह से सेकेंड पर्सन ने भी कोई विश्वास करके कोई एक्ट या बात रख दी है नीदर ही अब ना तो वो पहले वाला पर्सन नीदर ही जेंटेटिव शैल बी अलाउड इन एनी सूट या प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन अगर कल कोई भी इनके बीच में बात होती है या कोई लड़ाई हो गई और सूट हुआ तो उस सूट में ना तो ये पर्सन ना इसके रिप्रेजेंटेटिव उस बात से अब मुकरेंगे दे कैन नॉट से एनी थिंग टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग ओके दे हैव टू स्टैंड बाई द वर्ड जो भी उन्होंने बोला था उन पर खड़े रहना है एंड दे आर बींग स्टॉप्ड ये हमारा स्टॉपल कहता है ठीक है अब इस एजेंसी में क्या फर्क पड़ता है अब इसको हम एक इलेस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं सो हेयर यू कैन सी दीज इलेस्ट्रेशन यहाँ से आपको समझ में आएगा सी ए जो है इंटेंशनली और फॉल्सली लीड्स बी बी को झूठ में या अपने मन से बी को बिलीव करवाता है कि जो ये सर्टेन लैंड है ज़मीन है ये मेरी है ठीक है मेरी है एंड देयर बाय बी उसकी बातों पर विश्वास करके वो लैंड खरीद लेता है ए से और उसके लिए वो पैसे भी पे कर देता है ए को है ना भैया उसने बोला ऐसा वो कहाँ तक चेक करे जो बात बोली उसने विश्वास करके वो ज़मीन ख़रीद ली नाउ कुछ टाइम बाद जो कि वो एक्चुअली उसकी ज़मीन होती भी नहीं है ए की बट आफ्टर सम टाइम कुछ सालों बाद दैट लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए ए एक्चुअल में वो A की ही प्रॉपर्टी बन जाती है ए के पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है अब बी मांगने आता है वो जमीन ला भैया जमीन दे अब तो तेरे नाम हो गई है गिव मी दिस एंड ए यहाँ पर इस उस बात को पहले वाली बात से मुकर रहा है क्या कह रहा है कि सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम जब सेल हुई थी मेरे पास तो इसका टाइटल था ही नहीं मैं इसका ओनर कहाँ था तब तो मैंने झूठ ही बोला था अब तू इसका ऑनर नहीं बन सकता जब मैं ऑनर ही नहीं था तो मैं तेरे को कैसे दू हाँ अब ऑनर हुआ हूं, और अब हमारी सेल तो तो पहले की की डेट थी तो क्या इस इस बात से आपको दिख रहा है बी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है बी के पास अब क्या रास्ता होगा वट ही विल डू तो जस्टिस हमारा लॉ हमारा कानून कहता है दैट जो ए है ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वॉन्ट ऑफ टाइटल अब उसको अपना टाइटल प्रूव करने की जरूरत नहीं है बी ज नाउ बिकम द ऑनर और ही स्टॉप नाउ फ्रॉम बींग डिनाइंग दट थिंग वो अब डिनाई नहीं कर सकता जो था था अब जमीन आगे दे बी को बी के पास तो जाएगी ही जाएगी राइट स्टूडेंट्स नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझिए एफ जो है ही टेल्स जी जी को कहता है कि ही इज द एजेंट ऑफ एच ठीक है समझिए जो एफ पर्सन है वो किसी जी को कह रहा है कि मैं एच का एजेंट हूँ और मैं एच के सारे काम करता हूँ और वहाँ पर एच भी खड़ा है साथ में इन द प्रेजेंस एंड विद इन द हियरिंग ऑफ एच और एच इस बात से डिनाई भी नहीं कर रहा कह रहा हैं हाँ भैया है मतलब वो अगर मुकर नहीं रहा तो इसका मतलब हाँ भाई वो एजेंट ही होगा अब आपके सामने कोई आपके लिए कुछ बात कहे और वो अगर झूठी होगी तो आप डिनाई तो करोगे ना नहीं ऐसा तो नहीं है तुम मेरे एजेंट नहीं हो बट यहाँ पर एच डिनाई कर ही नहीं रहा है

देन जो ट्रांजेक्शन हुई है अब ये एच को भी बाइंड करती है अब ठीक है अब यहाँ पर एच इस बात से नहीं मुकर सकता नहीं नहीं वो मेरा एजेंट नहीं है भैया क्यों किया तुमने उसके साथ ट्रांजेक्शन uh, या क्यों तू उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है वो मेरा एजेंट नहीं है क्यों जब आप उसके उस दिन उसके साथ खड़े थे वाई नोट यू डिनाई ऑन दैट डे एंड वाई नोट यू टेल एवरीथिंग ट्रूथ टू जी सो हेयर एच कैन नॉट बी डिनाई बींग डिनाइड फ्रॉम से दैट और यहाँ पर एच बी बाइंड होगा और अगर कल सूट कुछ भी केस में फाइल कोर्ट uh, में फाइल होता है यहाँ पर एफ बी लाइबल रहेगा और एच बी बिटवीन हिम एंड जी एंड ही इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग दैट एफ इज इज एजेंट वो इस बात से मुकर नहीं सकता सो आई होप आपको यहाँ पर दिस दिस एजेंसी बाय होल इस्टॉपल अच्छे से समझ में आया है इस्टॉपल कैसे अपना रोल प्ले करते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई भी धोखा ना हो फ्रॉड ना हो दिस एजेंसी केम इंटू एग्जिस्टेंस एंड इट इज वेरी वेरी नेसेसरी इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई होप यू अंडरस्टुड दिस सेशन स्टेट यून कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग डोंट फोर गेट टू सब्सक्राइब दिस इज आर मेल यू कैन सेंड योर एनी क्वेरीज डाउट्स हेयर थैंक यू